बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत शिवराम पंचायत के फरदाहा गांव में आसाम से मजदूर पैदल और ट्रक के सवारी से सुबह 6 बजे अपने घर पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें देखते ही गांव से बाहर जाने का तथा आइसोलेशन वार्ड में रहने का सलाह देने लगे, जिस पर असम से आए मिथिलेश लाल देव ने तुरंत अपना बैग लेकर गाँव के हनुमान जी मंदिर पर शरण ले लिए, जहाँ देखने के लिए गाँव के हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके बाद ग्रामीण युवाओं ने अपनी सक्रियता दिखाया तथा गाँव में कोरोना वायरस की प्रभाव न हो इसको लेकर पंचायत के मुखिया विश्वनाथ भगत और वार्ड मेंबर सहित स्थानीय प्रशासन को फोन कर जानकारी दिया, परंतु इतनी जानकारी इकट्ठा होने के बावजूद भी प्रशासन ने किसी तरह से सकारात्मक पहल उन व्यक्ति को लेकर नहीं किए, जिसके बाद फरदाहा के युवाओं ने विभिन्न तरह से लोगों को फोन करके इस मत की जानकारी देने लगे, परंतु कोई भी असम से आए उस व्यक्ति को क्वारंटाइन करवाने को लेकर अपना अनुमति जाहिर नहीं किए, जिसके बाद फरदाहा के युवाओं ने छात्र नेता जयप्रकाश झा को फोन करके सारी बातों की जानकारी दी, जिसके बाद छात्र नेता जयप्रकाश झा ने मौके पर पहुंचकर आसाम से आए मिथिलेश लाल देव का हाल चाल जाना तथा कुकुरीटी करवाने को लेकर स्थानीय डॉक्टर आशा से बात करके मिथिलेश लाल देव को तुरंत वहां से रद्याम पंचायत के सरकार भवन पर बना आइसोलेशन वार्ड में जाने का आग्रह किया, जिस पर असम से आए मिथिलेश लाल देव ने उन्हें कहा कि जैसे ही हम गांव आए और लोगों में इस बात की चर्चा होने लगा तो हम तुरंत सभी को बोले जो मुझे 21 दिन के लिए क्वारंटाइन करवाया जाए, ताकि हम जो आसाम से आए उस दरमियान बहुत सारा कठिनाई हुआ और बहुत सारे लोग के संपर्क में आए। मिथिलेश लाल देव ने बताया कि असम से कुकराझा डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, वहां से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करके करी गांव पहुंचे, फोर लाइन पर वहां से श्रीरामपुर बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा बात करके उन्हें ट्रक पर बैठा दिया गया, वहां से ट्रक वाला उन्हें बंगाल में उतार दिया, वहां से दूसरा ट्रक पकड़ के बिहार बंगाल सीमा पर पहुंचे, फिर जैसे तैसे ट्रक पकड़ वहां से फिर शिवराम पंचायत के फरदाहा गांव तक पैदल पहुंचे। इस दरमियान उन्होंने बताया कि मेरे साथ 3-4 और साथी थे जो अलग अलग पंचायत के थे और बेनीपुर के ही थे, जो सक्री से अलग हो गए और अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। इस पूरे घटना में छात्र नेता जयप्रकाश झा ने बताया कि दरभंगा समेत पूरे देश में लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो रहा है, जिला की बॉर्डर सील है, उसके बावजूद भी शहर से लोग पैदल ट्रक बस से पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर हो या गांव की सीमा हो या जिला की सीमा हो, कहीं भी किसी तरह से किसी भी लोगों को नहीं रोका जा रहा है, नहीं पूछताछ किया जा रहा है, जिसके कारण गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसका कहीं भी अभी तक जांच नहीं हुआ, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक पूरे बिहार में 10 करोड़ लोगों को स्कैनिंग कर लिया गया है, लेकिन शहर से गांव आने वाले लोग कह रहे हैं जो कहीं भी किसी प्रकार से स्कैनिंग नहीं किया गया, ना ही कोरोना वायरस से बचने हेतु तो जो बॉर्डर सील किया गया है वह पूर्ण तरह सील नहीं है। जेपी ने बताया कि यदि प्रशासन कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में बेनीपुर में भीषण महामारी फैल जाएगा। आज फरदाहा का जो माहौल है उससे ये साबित हो गया है कि पंचायत में या प्रखंड में कोरोना मरीजों के लिए किसी तरह का व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है, जो लोगों में काफी भय का माहौल है, जिसके चलते शहर से आए मिथिलेश लाल देव को देखने हजारों लोग पहुंचे, जहां मुखिया जी के प्रति आक्रोश जाहिर की तथा जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाकर विरोध किए, और ग्रामीणों ने बताया कि यदि पंचायत में किसी तरह का व्यवस्था नहीं है तो मुखिया जी अपने पद से इस्तीफा दे दें, ताकि नए लोग जो चुने जाएंगे वे है पंचायत के विकास करने को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे। इस पूरे मामले में मुखिया का पक्ष कमजोर दिखाई दिया तथा कोरोना मरीजों के लिए एक आइसोलेशन वार्ड की भी व्यवस्था न होने को लेकर काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। विरोध कर रहे युवाओं में फरदाहा के विकास कुमार, पारस कुमार, आशुतोष राणा, अजीत कुमार राय, विकी मिश्रा, मनीष कुमार राय, अवनीश कुमार राय, आदर्श पाठक, दुर्गानंद राय समेत सैकड़ों लोग मुखिया जी के खिलाफ पूरे फरदाहा में नारेबाजी करके विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि कल्पना महाराष्ट्र से ट्रक से ही 10 लोग गांव पहुंच रहे हैं, जिसको बिना जांच के ही गांव आने दिया जा रहा है, उन्हें भी गांव आने पर तुरंत प्रशासन को फोन करके 21 दिन क्वारंटाइन करवाने को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे। आपको कैसे पता चला जो गांव में अभी लॉकडाउन में चोरी छिपे आ गए हैं और आप लोग पहचान करके इसको मंदिर पे रखे हुए हैं, आप बताइए थोड़ा संक्षिप्त में। देखिए, पहली बात तो मान लीजिए बाहर से आए हैं आसाम से, और इन चीज़ को कई आदमी को जानकारी भी नहीं था, वो खुद अपनी सुरक्षा करके साइड में रहे और सुबह से ही खड़े हैं मंदिर के पास, हम लोग भी
सपोर्ट किए, वार्ड नंबर को बुलाए हैं, जो फोन कीजिए गाड़ी वाला आएगा या जांच वाला आएगा, जांच करके उनको जैसा जो पोजीशन होगा वो कर सकते हैं व्यवस्था। लेकिन सुबह से अभी तक करीब 12 एक बज रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक प्रशासन या वार्ड नंबर या इसमें जो भी मुखिया सरपंच हो या पंच हो या आशा हो, कोई इस चीज़ को एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। हम लोग मुखिया से भी बात किए, वो बोलता है खुद अपनी गाड़ी करके भेजा जाए, तो बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को डर है यदि इनको क्वारंटीन नहीं करवाया जाता है, नहीं जांच किया जाता है, तो और में भी फैल सकता है कोरोना? फैल सकता है अगर हो पॉजिटिव हो तो, और नहीं निगेटिव रहे तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सर्टिफाइड कैसे होंगे, जब तक इनको जांच नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे इनको मानेंगे? तो आप क्या चाहते हैं, DM साहब इस पे संज्ञान लें और तुरंत इनको मेडिकल टीम को पहुँच जाँच करवाए? जरूर, इनके लिए वहाँ से टीम भेजे और इस चीज़ को जांच करके जो है वो सर्टिफाइड करे। क्या नाम हुआ आपका?